सबके अंदर में राम बैठा है, आप कह सकते सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, अल्लाह बैठा है, गॉड बैठा है, परम सत्य बैठा है, और सबके अंदर में सुगंधि का बीज है। लेकिन अनादि काल के कुसंस्कारों से और कुसंगत से वह धूमिल बना हुआ है और छिपा हुआ है। उसी के पर्दे को हटा करके उसका उद्घाटन करना हर मनुष्य का काम है। सदगुरु कबीर ने कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ऊंची संगत कूर की आठो पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होए। साधु की संगत करो और कुसंगत से बचो। साधु संगत का अर्थ ये नहीं है कि हम जैसे लोगों के कपड़े में जो हो उसकी संगत साधु संगत है। कपड़ा कोई हो, हमारे कपड़े में भी ऐसे लोग हैं जिनकी संगत से आप खराब हो सकते हैं। कपड़ा उपहान लिए है, रहनी नहीं है, उल्टी रहनी है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि छिपने के लिए कपड़ा पहन लेते हैं। साधु संगत का अर्थ है जिनकी संगत से मनुष्य का मन सात्विक और सदाचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जिनकी संगत से मन में सात्विकता आए, अंतर्मुखता आए, शांति आए, उसकी संगत साधु संगति है। साधु संगत से बुद्धि सुधरती है, धन बल, जन बल, शासन बल, स्वामित्व बल, विद्या बल, शरीर बल, समाज बल, जितने बल हैं सद्बुद्धि के अभाव में इंसान को खा जाते हैं। लोहा में हवा और पानी के आधार से मूर्छा लग जाता है और लोहा अपने आप में मिट्टी बन जाता है अगर रक्षा न की गई तो। हमारी जितनी शक्तियां हैं और जितने बल हैं सद्बुद्धि के अभाव में सब का विनाश होता है। रावण महान विद्वान था, जैसा कि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वेद विद्या व्रत स्नात, वेद विद्या व्रत में स्नात था। स्नात का अर्थ है जो स्नान कर लिया हो। गुरुकुल में जब विद्या पूरी हो जाती थी तब विद्यार्थी को स्नान कराया जाता था। स्नान करा करके शुद्ध वस्त्र पहना कर एक संस्कार दे करके उसे घर भेज दिया जाता था, तो उसको स्नातक कहा जाता था। आज स्नान कराने की बात तो नहीं, और स्नातक का अर्थ स्नान कर लिए जिसने कर लिया हो, ये अर्थ भी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसका जो सार है वो जानते हैं। स्नातक का मतलब उत्तीर्ण, वेद विद्याव्रत स्नातक। रावण वेद विद्याव्रत में स्नात था, उत्तीर्ण था, और उस समय के समस्त सामरिक बल से संपन्न था, विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, बलवान, सोने की नगरी, कलाक्षणिक अर्थ है धनी संपन्न नगरी। विश्वामित्र जब दशरथ के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं यज्ञ करता हूँ, राक्षस परेशान करते हैं, और यज्ञ करने वाले को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए उसकी रक्षा के लिए मैं श्री राम को चाहता हूँ। दशरथ ने कहा, श्री राम तो अभी 16 वर्ष की उम्र से भी कम है,
वे राक्षसों से क्या लड़ेंगे, मैं चलूंगा। हाँ, अगर रावण है तो मेरी हिम्मत नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। दशरथ ने कहा कि मैं रावण के सामने नहीं जा सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, बाकी कोई भी हो। विश्वामित्र ने कहा आपकी जरूरत नहीं है, राम कर लेंगे। तो उस जमाने में जो बल संभव था सब में वो महान था, और बुद्धि भी कम नहीं थी, निर्बुद्ध होता तो सब कैसे कर सकता, लेकिन बुद्धि में त्रुटि थी। पर स्त्री की प्रशंसा सुनकर, उसके सौंदर्य की, और इतनी दूर यात्रा करके छल करके चोरी से उठा ले जाना कितना बड़ा पाप है, और यह पाप उसने किया, तो बुद्धि थी लेकिन विकृत थी। आपकी घड़ी बिगड़ी हो, कोई कहे कि आपकी घड़ी बिगड़ी बनवा लीजिए, तो आप नाखुश नहीं होंगे। घर टूटा हो, गाड़ी बिगड़ी हो, उसके लिए भी कोई राय दे, आप नाखुश नहीं होंगे। लेकिन आपसे कोई कहे आप अपनी बुद्धि सुधरवा लीजिए, तो नाखुश हो जाएंगे। किसी को एहसास नहीं होता है कि हमारी बुद्धि बिगड़ी है, और जीवन में जो दुख है वो बुद्धि के बिगड़ने के कारण ही है, और चीजों की रिपेयरिंग के लिए तो दुकानें हैं, घड़ी की, इंजन की, गाड़ी की, सबकी रिपेयरिंग की दुकानें हैं, लेकिन बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान कहीं नहीं। ये तो साधारण गांव है, रायपुर तो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई, वहां भी नहीं है, और भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में भी नहीं, बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान कहीं नहीं। बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान सत्संगत है, साधु है, जो बुद्धि सुधारते हैं। इसलिए साधु के पास और कुछ हो न हो, उनकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। वे विद्वान ना हो, प्रवक्ता ना हो, प्रसिद्ध ना हो, कोई हर्ज नहीं, बुद्धि उनकी शुद्ध हो। गृहस्थ लोग साधु के पास आकर के एक ही आशा रखते हैं, सबका मन दुनिया के राग द्वेष में पड़ के जलता है, उस जलन को शीतल करने के लिए साधु संगति है। इसलिए साधु संगत में जाकर शीतलता मिले, साधु निष्कामी हो, विरक्त हो, निर्मल चित्त हो, राग द्वेष विहीन हो, शांत आत्मा हो, यह उसकी संपत्ति है। और कहना चाहिए कि यही संपत्ति मानव मात्र की, साधु का आदर्श लेकर के, प्रेरणा लेकर के मानव मात्र को उस दिशा में चलना होगा। जीवन का फल क्या है, क्यों कमाते हैं, खाने के लिए खाते क्यों हैं, जीने के लिए जीते क्यों हैं, इसका पता नहीं, फिर वही कमाने और खाने के लिए। इतना उत्तम जीवन और आदमी से पूछा जाए क्यों जीते हो, तो पता नहीं। आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, आप कहो पता नहीं, तो लोग कहेंगे पागल है। कोई उद्देश्य होता है कहीं जाने का, चल रहे हैं और उद्देश्य ही नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जिंदगी घसीट रहे हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका पता नहीं है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं सुधार के लिए, लेकिन सुधार वाला काम रह जाता है, बस कमाना खाना और जीना इतने होता है। और जीते जीते जो आदमी बटोरता है, वो क्या बटोरता है, कांटे, राग द्वेष, कला कल्पना, मनोविकार, अनेक कर्म कुकर्म करके मन को ऊबड़ खाबड़ बना लेता है। खजूर का पेड़ नीचे से ऊंचे तक कांटेदार,
वैसे आदमी अपने पूरे जीवन को कांटेदार बना लेता है। दिन जितने बीतते हैं उतना वो कलह में पड़ता चला जाता है। व्यापार वही सफल माना जाता है जिसमें उत्तरोत्तर धन की वृद्धि हो। 1 लाख रुपए लेकर के आपने व्यापार शुरू किया, कुछ दिन में 80,000 रह गए, कुछ दिन और भी थे 60,000 रह गए, 50 रह गए, घटता गया, ये व्यापार व्यापार नहीं। मूलधन बना रहे और मुनाफा बढ़ता जाए तब व्यापार है। ये जीवन सबसे महत्वपूर्ण व्यापार है और इसमें हमारा धन बढ़ना चाहिए। धन क्या है? प्रसन्नता। बच्चे प्रसन्न होते हैं, अज्ञान बस थोड़े में रोते भी हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता अवस्था जन्य है, बोध जन्य नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। आपस में लड़ लेंगे और आकर के घर चले जाएंगे और 2 घंटे में आकर के फिर उन्हीं बच्चों से मिलके खेलेंगे, वो भूल जाएंगे कि लड़ाई मैंने की है। तो इस प्रकार बच्चों का चित्त सरल होता है और प्रसन्न होता है। जवानी में वो प्रसन्नता नहीं रह जाती, बहुत घट जाती है। जवानी आते आते बहुत विकार, बहुत दोष जीवन में आ जाते हैं, लेकिन जवानी में भी जो रही सही प्रसन्नता है, बुढ़ापा में वो उड़ जाता है, वो प्रसन्नता उड़ जाती है। अब आदमी अगर सावधान नहीं है तो झाए 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 रात दिन झाए झाए झाए। ये नहीं कि धन दौलत नहीं है, सब है, लेकिन प्रसन्न नहीं, उद्वेगित है। तब तक उसकी श्रृंखला काफी लंबी हो गई, बाल बच्चे नाती पोते बेटी दामाद और बड़ी शाखाएं हो गई हैं, और उन शाखाओं में विकृतियां आना स्वाभाविक है। सबका मन एक समान नहीं, सबकी वृत्ति एक समान नहीं, सबके विचार एक समान नहीं, जंजाल बहुत बढ़ गया, सहने की शक्ति नहीं, विवेक नहीं, उलझन उद्वेग बढ़ गए, अशांति बढ़ गई, और मरते दम तक आदमी उलझा उलझा मर गया तो क्या मतलब हुआ जीवन का? जीवन बेकार गया। आदमी रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। ये मनुष्य का बच्चा है जो रोते रोते जन्मता, और किसी बच्चा रोते नहीं जन्मता। और जन्मते ही मानो वो घोषणा करता है कि मैं रोने के लिए जन्मा हूं, और जीवन भर रोना है, और जीवन भर आदमी रोता है, आंसू न बहाए तो भी रोता है। जब एक करुणपति एक जगह मिलने आए, बड़े शहर में मैं था, कहे महाराज जीवन में सुख नहीं मिला, ये रोना ही तो है। करुणपति थे, 2 लड़के थे, दोनों बांट के अलग थे, उनकी कोठियां अलग थी, इनकी अलग थी। ये 65-70 के बीच में थे, दोनों प्राणी आए थे मिलने के लिए, कहे महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। मैंने कहा सुख कहीं है कि आपको मिले? चांदी है, सोना है, हीरा है, मिट्टी है, गोबर है, अनाज है, पानी है, लोहा है, कपड़ा है, क्या सुख भी कहीं कुछ है? 10 लाख रुपए ले जाकर के दुकानदार से कहो भाई 1 तोला सुख दे दो, 10 लाख रुपए ले लो, कोई दे पाएगा? सुख नाम की चीज जब कहीं दुनिया में है नहीं तो आपको कैसे मिल जाए? कहे महाराज इस पर कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा जीवन बीत रहा है और अभी तक नहीं सोचे कि सुख नाम की चीज ही कहीं नहीं है? सुख अगर हो कहीं तो मिल जाए, सुख है ही नहीं है। सुख क्या है? मन का सुलझाओ। दुख क्या है? मन का उलझाओ। मन उलझा है तो दुख है। बहुत संपन्न आदमी है, ब्राह्मण संपन्न था, जैसा कि महाकाव्य है। तथ्य की बात छोड़िए, क्या तथ्य है? लंका वाले कहते हैं भारतवर्ष वालों ने रामायण महाकाव्य बना करके हमारे ऊपर एक रावण लाद दिया है बेकार में।
लंका में रावण का कोई इतिहास नहीं है, तो लोग तो मजाक उड़ाते हैं भारत वालों का कि भारत वालों ने महाकाव्य बनाया और रावण हमारे ऊपर थोप दिया, जो गलत आचरण का आदर्श है, ये बहुत बड़ा अपराध किया भारत ने, अब रावण का कोई इतिहास नहीं है। ये तो अलग विषय है, लेकिन महाकाव्य के अनुसार रावण को क्या कम था, संतुष्ट नहीं था। जो संतुष्ट होगा वो पराई स्त्री को चुराने जाएगा। अगर संतोष नहीं है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो जीवन का मतलब क्या है? और ये पैसे से होने वाली नहीं है। पैसे ज्यादा हो जाए तो संतोष हो जाएगा, प्राणी ज्यादा हो जाए, पदार्थ ज्यादा हो जाए, बड़ा गुरु बाबा बन जाए, बड़े मठाधीश बन जाए, बड़े आचार्य मंडलेश्वर जगत गुरु बन जाए तो संतोष हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जगत गुरु पद सबसे बड़ा पद माना जाता है, यद्यपि अपने आप में एक धोखा है, क्योंकि जगत का गुरु कोई हुआ नहीं आज तक, जगत भर का गुरु। अब वह आदमी जगत का गुरु कहलाए जो 99% से अधिक लोगों को ज्ञान का अधिकारी नहीं मानता है, इतना वर्ण व्यवस्था में जकड़ा है, तो जगत गुरु कहाँ कौन हुआ? लेकिन पद माने हैं। जगत गुरु संतुष्ट होता बेचारा तो मुकदमा लड़ता, जगत गुरु पद के लिए मुकदमे लड़े जाते हैं। जगत गुरु पद बना रहता और मुकदमे लड़ते लड़ते जगत गुरु लोग मर जाते हैं। तो ये चाहे गृहस्थों का ऐश्वर्य हो, चाहे साधुओं का ऐश्वर्य हो, दुनिया के ऐश्वर्य से कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। ये तो मन की सफाई से होगा, मन की निर्मलता से होगा, और वही काम इंसान नहीं करता। सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग का आयोजन क्यों होता है? यहाँ मैं शायद चौथी बार आया हूँ, यहाँ आज प्रथम बार मुझे लगता है 1972 में आया था, जब साप्ताहिक प्रवचन हुआ था और स्कूल के सामने ही हुआ था, मकानात नहीं थे, अब तो बहुत मकान बन गए, तो 30-32 वर्ष के बाद ये चौथी बार है, दो बार बीच में और हुआ लगता है। तो ये सत्संग का आयोजन क्यों होता है? बुद्धि सुधार के लिए, आत्मज्ञान के लिए, अपने तरफ लौटने के लिए, उधर हमें प्रेरणा मिले। इंजीनियर लोग उस विषय का पाठ पढ़ाते हैं, डॉक्टर लोग डॉक्टरी का पाठ पढ़ाते हैं, वकील लोग वकालत का पाठ पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना पाठ है। जो व्याकरण का विद्वान होगा उससे व्याकरण का ज्ञान होगा, साधु आत्मज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाते हैं। सब कुछ आपके पास है और मन में शांति नहीं है तो क्या है? इसी छत्तीसगढ़ में एक बार एक जगह से दूसरी जगह गया तो एक नवयुवक, कोई 25-26 वर्ष का, अपनी धनी आदमी है वो, अपनी गाड़ी लेकर के आए मेरे लिए, ले चला। मैं बगल में बैठा था, कहा महाराज मेरे सब कुछ है, बहुत जमीन है, कई मकानात हैं शहर और देहात में, लेकिन मुझे शांति नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, शांति नहीं तो क्या है? और तो इतनी उम्र में कैसे अशांत हो गया है? 4-5 वर्ष के बाद फिर वही कार्यक्रम था, फिर वही लेने आया। मैंने कहा कहो शांति मिली कि नहीं? कहे महाराज शांति नहीं। क्यों? अहंकार कामना जितनी ज्यादा होगी शांति नहीं रहेगी। अहंकार उलझाता है, कामनाएं उलझाती है। जितनी अहंता और ममता और कामना घटेगी शांति मिलेगी, और इसकी सूझ सत्संग में होगी। शांति के स्तर अनेक हैं। परम शांति, एकदम चित्त निर्मल अगाध शांति सागर में रहे,
ये पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके होता है, लेकिन शांत के अन्य स्तर धीरे 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 बढ़ते हैं। घर में शांति हो, परिवार में कलह ना हो, ये बहुत बड़ी सफलता है। घर में शांत कैसे रहेगी? जब अहंकार घटाओगे, कामना घटाओगे, अहंकार करोगे, कटु कहोगे, आप अपने बच्चे को ही कटु कहो तो बच्चा समर्पित नहीं हो पाएगा। बच्चा पैदा करना सरल है और बच्चों से निपटना कठिन है। बच्चा पैदा करने वालों को अहंकार होता है कि हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, जो चाहे हम सब करें और उसको मानना चाहिए। गुरु को अहंकार होता है, हम गुरु हैं, बड़े हैं, लेकिन गुरु हो चाहे माता पिता हो, चाहे किसी पद में बड़े हो, उनको और झुकना पड़ता है। कबीर, नवे सो आपको और को नवे न कोय, घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी हो। साहब कहते जो झुकता है वो अपने को झुकता है, दूसरे को नहीं। तराजू का जो पलड़ा झुक जाता है, कहा जाता है वजनदार है, दाम उसका बढ़ जाता है। जो विनयी होता है उसकी प्रतिष्ठा होती है। इसलिए विनयी होना चाहिए। घर में शांति कैसे रहेगी? जब तक विनम्रता नहीं रहेगी, मीठा वचन नहीं रहेगा, दूसरे के हक को मारने की चेष्टा रहेगी, तब तक शांति कैसे मिल सकती है? घर में ही भेदभाव है, राग द्वेष की प्रवृत्ति है, कलह बना रहेगा। शांति की जरूरत सर्वत्र है। जितनी जितनी मात्रा में मेरी बुद्धि सुधरेगी, उतनी उतनी मात्रा में मेरे जीवन में शांति आएगी। मैं कहा था, साधु सज्जन जिनकी संगत से हमारी बुद्धि में परिवर्तन आए अच्छी दिशा के लिए, दुर्व्यसन छूटे, दुर्गुण छूटे, दुराचरण छूटे, शील क्षमा दया करुणा प्रेम जीवन में आवे, सदाचार आवे, संतोष की वृत्ति आवे, ऐसी संगत हमें करना चाहिए। साधु संगत का यही मतलब है और सत्संग आयोजन का यही मतलब है कि लोग इकट्ठे हों, अच्छे विचार सुने और अच्छे विचार से अपने आप को बदलें। सबके अंदर में, मैंने शुरू में कहा कि दिव्य आत्मा बैठा है, उसी को राम, ब्रह्म, खुदा, गॉड, अल्लाह, चेतन, जीव सब कुछ कह सकते हो। वेदांतियों ने भी कहा है जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जीव ही सादा शब्द है, सरल शब्द, जैसे मनुष्य, ये सरल शब्द है। अब मनुष्य के बाद आदमी मास्टर है, डॉक्टर है, साधु है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, मैनेजर है, डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर है, लेकिन सादा शब्द है मनुष्य। ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में सादा शब्द है जीव। जीव मूल शब्द है, उसी जीव को ब्रह्म, आत्मा, राम, रहीम कुछ भी कहो, सबके अंदर में वह जीव बैठा है, वह ब्रह्म बैठा है और सबके अंदर में सुगंधि का बीज है, सबके अंदर में सुख का सागर है, जो अहंता ममता की शिला से बंद है, उसी का उद्घाटन करना है। बाहर से ला करके सुख स्थिर नहीं होगा, जो बाहर से मिलता फिर लौट जाता, मिलने वाली चीज लौट जाती है, अपनी चीज स्थिर होकर के काम देती है। अगर सुख हमें बाहर से मिलेगा, मोक्ष बाहर से मिलेगा, परमात्मा बाहर से मिलेगा तो छूट जाएगा, ये नियम है, मिली हुई वस्तु छूटती है। जो अपने ही में है लेकिन समझ नहीं है,
एक राजा है और शराब पी लिया है और बड़बड़ा रहा है कि मैं भिखार हूँ, सिंहासन छोड़ करके घूर पर दाने बीन रहा है, तो उसकी अकल में फर्क हो गया है। वो हजारों लाखों दूसरों को खिला सकता है लेकिन बुद्धि भ्रमित है, वो घूर के दाने बीन करके खा रहा है। वही दशा हम लोगों की है, सबके अंदर में अखंड खजाना है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो जब दिल की दुविधा जाए। अब धू अधा धुंधा दियारा, या घट भीतर सात समुंदर, या घट नौलख तारा, या घट भीतर हीरे मोती याहिम परखन हारा, या घट भीतर बाग बगीचे याहिम उठत फुहारा, याहिम गुरु हमारा। साहब ने कहा कि इसी के अंदर में सारा माल टाल है। वेद की ऋषि ने भी कहा, अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योति सावृता। आठ चक्र नौ द्वार वाली देवताओं की अयोध्या नगरी ये शरीर है। चारों वेदों में यही एक जगह अथर्व वेद में अयोध्या नाम आया है। पता नहीं अयोध्या नगरी पहले थी तो उसको लेकर के नाम रखा गया, अथवा यहाँ से उस शहर का नाम अयोध्या रखा गया, इसका पता नहीं। लेकिन वेद जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, उन चारों वेदों में केवल यही एक जगह अयोध्यापुरी का नाम आता है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्योध्या। आठ चक्र और नौ दरवाजे वाली अयोध्यापुरी देवताओं की है। आठ चक्र है मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्र सार श्रुति कमल। ये टट्टी की जगह से लेके खोपड़ी तक आठ कमल माने गए, आठ चक्र माने गए। बीजक की व्याख्या में इसका मैंने पूरा विवरण दिया है। और नौ द्वारा दो आंख दो नाक दो कान, छह मुख सात टट्टी की जगह और पेशाब की जगह, ये सब नौ। ये नौ द्वार देवानाम पूर्योध्या, इंद्रियां देवता हैं, मन देवता है। ये इंद्री मन रूपी देवता की अयोध्या नगरी ये शरीर है। तस्याम हृदय कोश है, इसमें हिरण का कोश है। हिरण नाम सोना, सोने का खजाना है। सोना क्या है, रतन क्या है, आत्मा। स्वर्गो ज्योति सावृता है, और इसमें स्वर्ग है जो ज्योति से आवृत है, ज्योति से जगमगाता है। जिसका मन निर्मल है स्वर्ग कहाँ बाहर खोजना है, प्रसन्न मन स्वर्ग है, उलझा मन नरक है। आत्मा सोने का खजाना है, ये शरीर अयोध्यापुरी है। आपका जीवन बहुत कीमती है, इतना कीमती है कि क्या पूछना। एक आदमी एक संत से कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ। महात्मा ने समझाया लेकिन नहीं समझे। महात्मा ने कहा, अच्छा कोई 10,000 रुपये दे, तुम दोनों हाथ दे सकते हो, चाहे कि दोनों हाथ काट के दे दो। अरे कहे महाराज, जब हाथ चला जाएगा तो 10,000 क्या करेगा। कहे अच्छा 1,00,000 रुपया कोई दे और दोनों आँखें चाहे तो। कहे महाराज आप तो अजीब बात कर रहे हैं, जब आँखें चली जाएगी तो लाख क्या करेगा। कहे अच्छा तुम्हें 1,00,000,000 रुपया कोई दे और तुम्हारी जान लेना चाहे तो। कि जब जान चली जाएगी तो रुपया कौन लेगा। तो कहीं इतना संपन्न शरीर तुम्हारा, इतना धन से संपन्न, और तुम गरीब अपने को मानते हो। हमें शरीर मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला, और देखो हवा मिली, पृथ्वी मिली, आकाश मिला, सागर मिला, समुद्र, पर्वत, सूरज चांद सितारे, कितना ऐश्वर्य आपको मिला हुआ है। इतने ऐश्वर्य के भोगता आप हैं और अपना आप अप्रसन्न बने बैठे हैं, तो ये तो मन की गड़बड़ी है। अगर स्फटिक शिला के
भवन में किसी आदमी को कर दिया जाए तुरंत बड़ा आनंदित हो जाएगा, वहां सब ऐश्वर्य हो खुश हो जाएगा, थोड़े दिन उसमें रहे व्याकुल होने लगेगा, मन की चाहनाएं पूरी नहीं होगी, अहंता ममता पूरी नहीं होगी, जलने लगेगा। दुनिया की चीजें जो आकर्षक दिखती चार दिन के बाद वही काटे खाती। विवाह के समय वर वधु पति पत्नी एक दूसरे को स्वर्ग के रूप में देखते हैं, आगे चल करके आप जानते हैं नरक के रूप में देखने लगते हैं। कितने पुरुष स्त्री को देखना नहीं चाहते, स्त्री पुरुष को गाली देती। विवाह का उत्सव दिन जितने यहां बूढ़े बैठे सब दूल्हे बने होंगे, और जब दूल्हा बने थे उस समय की गर्मी आज कुछ है? कोई नौजवान किसी बूढ़े से पूछे बाबा जब आप दूल्हे बने थे आज कैसे लगता है, तो कहेंगे चुप रहो उसको बुरा लगेगा। ऐसा खोखा है संसार, ये दुनिया का ऐश्वर्य में शांति मिलने वाली नहीं, किसी को नहीं मिलने वाली। आप अगर मुझे सम्मान दे, आरती उतारे, देखो आरती बना करके लाए थे मैंने रोक दी, आखिर दिन कर लेंगे, तो हमारी बड़ी आरती उतारी जाए, हजारों हजारों लोग आरती उतारते रहे, इससे में शांति मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। ऐसा बह जाने वाला है, क्या रहता है किसका, सबका सब कुछ नाशवान है। सब ऐश्वर्य नास्त की माही, जाके पाछे जग बौराही। ये दुनिया एक सपने के समान है, जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। जागृत हो, संतों की वाणी पर विचार करो, सदग्रंथ पढ़ो, अकेले में बैठो आत्मचिंतन करो, अपने को देखो कितना सुधारे हो, क्रोध की मात्रा पहले से कितनी घटी है, काम की लोलुपता कितनी घटी है, मोह कितना घटा है, द्वेष कितना घटा है, चिंता करना उद्वेग करना जो पहले था कितना घटा है, इस पर विचार करो। मैंने अभी कहा था कि जीवन एक व्यापार है, और व्यापार में धन बढ़े तो जीवन व्यापार सफल माना जाता है, ऐसे जीवन के व्यापार में प्रसन्नता बढ़े तो जीवन सफल है। इसका हिसाब करना चाहिए, कुशल व्यापारी हिसाब किताब रखता है, पहले लिख तब दे, ये व्यापार शास्त्र का महावाक्य है, पहले लिख तब दे, यानी हिसाब पक्का रखो। क्या हम अपने जीवन व्यापार का हिसाब रखते हैं? जितनी बुराई पहले थी उतनी बुराई अगर आज है तो हमने क्या कमाया, और बढ़ गई बुराई। जितने लोग यहां बैठे हैं वो बीड़ी पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुड़ाखू घिसते हैं, पहले सब कुछ नहीं करते थे तो घाटा हुआ कि नहीं, गंदी आदत आई कि नहीं? मानो आ गई तो उसको छोड़ने प्रयास आपने किया? जीवन सुधार के लिए प्रयास ही नहीं, जीवन रेंग रेंग करके जी रहे हैं किसी तरह, कोई विचार नहीं है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, बस काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, बाल बच्चों को पाल रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, भैया राम 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 कुशल मंगल चकाचक है, ये कहने की आदत है, कहाँ चकाचक है? जीवन सुधार नहीं तो चकाचक कहाँ है? एक कलाकार अनगढ़ पत्थर को छेनी हथौड़ी से छीन छीन कर सुंदर मूर्ति और वस्तुएं बनाता है, और हम आप इस सुंदर मूर्ति को दिन दिन बिगाड़ते हैं। एक बच्चा है, दांत साफ है उसके, चेहरा मासूम है, निर्मल ईमानदार, जवान हुआ मुंह में पान खोस लिया, तंबाकू भर लिया, सिगरेट खोस लिया, और तमाम दुर्व्यसन और दुर्गुण सेवन करने लगा, छल छद्म बुराई बदमाशी बढ़ती गई, तो जीवन तो बिगड़ता गया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास,
सुधार के लिए आए थे बिगाड़ करने लग गए। जीवन तब सफल है जब यह सुधरे। मन, वाणी और इंद्रियां, ये तीन हैं। मन मूल है, मन निर्मल हो तो वाणी निर्मल हो और इंद्रियों के बर्ताव निर्मल हो। मन, वाणी और इंद्रियों के निर्मल बर्ताव से जीवन में मक्खन इकट्ठा होगा, आनंद इकट्ठा होगा। मन, वाणी, इंद्रियों के गलत बर्ताव से कसैलापन इकट्ठा होगा, कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा और सदैव जीवन को संतापित करेगा। भजन क्या, राम राम कहो, रहीम रहीम कहो। रहीम कहने वाले वैसे यहाँ नहीं होंगे, राम कहने वाले हैं, कृष्ण कहने वाले हैं, शिव कहने वाले हैं, सतनाम कहने वाले हैं, जो कहो उसके लिए मेरा कोई विरोध नहीं। जो पूजा पाठ आप करते हो आप जानो, लेकिन भजन, असली भजन क्या है? कोई नाम जप, कोई मंत्र जप पूजा पाठ की कसौटी नहीं है, साधना की कसौटी नहीं है। साधना की कसौटी है चरित्र की निर्मलता, मन, वाणी, कर्मों की निर्मलता। राम उपासक उस राम उपासक को पसंद नहीं करता जो ईमानदार नहीं है, बल्कि दूसरे उपासक को पसंद करेगा जो ईमानदार हो। ऐसे कबीर उपासक को उस कबीर उपासक को पसंद नहीं करेगा जो ईमानदार नहीं है। इसलिए सामान्य जनता भी पूजा पद्धति को महत्व नहीं देती है, जब कसौटी की बात आती है चरित्र को महत्व देती है। कौन पूजा पद्धति में है, कौन विश्वास में है, कौन देवता को इंसान मानता है, कैसे वो पूजा पाठ करता है, इसका मूल्य नहीं है। जीवन कैसे जीता है, अच्छे ढंग से जीने से, सदाचार में ढंग से जीने से जीवन में निर्मलता आएगी, जीवन में शांति आएगी। जब जो हम कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के संस्कार हमारे अंदर में बनते हैं। आजकल तो देखो कैसे कैसे यंत्र हो गए हैं, उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है, कंप्यूटर में प्लापी लगाई जाती है और बड़ी बड़ी पुस्तकें प्लापी में अंकित हो जाती, पतली सी प्लापी में। वो पतली भी प्लापी बहुत मोटी प्लापी है, मन की प्लापी इतनी सूक्ष्म है कि इसमें अनेक जीवन की किताबें अंकित हैं। हम जो कुछ रात दिन करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, सबकी रिकॉर्डिंग हमारे मन में चलती और वही हमारे लिए पूंजी बनती है। जब आप अकेले में बैठे लेटें तब आप अपनी पहचान करें कि मन में क्या है। आदमी खाता है, काम करता है, बात करता है, तब वह एक दूसरी स्थिति में रहता है। जब बिल्कुल अकेला होता है, कुछ नहीं करता है, तब उसके अंदर की असलियत ऊपर उभर करके आती है, अकेले में आती है। और अकेले में जब आप हुए उलझ रहे हैं तो समझ लीजिए गड़बड़ चल रहा है। अकेले में हो, मन में शांति हो, किसी के लिए द्वेष ना हो, उखाड़ पछाड़ ना हो, कुतर्क ना हो, कुभावना ना हो, प्रतिक्रिया ना हो, मन में विश्राम हो, शांति हो, तृप्ति हो, कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया की भावना ना हो, तब समझ लो जीवन ठीक है। हम तराजू से वस्तु को तौलते हैं, एक तरफ माल रखते हैं और एक तरफ बांट बीच में पकड़ते हैं, और कांटा उसका जब सिधाई में होता है तो हम समझते हैं तौल सही है। अगर एक तरफ कांटा झुक गया तो मानते हैं या तो बांट ज्यादा है या तो सामान ज्यादा है। हमारी इंद्रियों के विषय और मन, इनका संतुलन हो, संतुलन बना रहे तब जीवन की सफलता है। मन ही मुख्य कांटा है, उसी से हम तौल सकते हैं।
जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, तो उन बड़ी मशीनों के पास इंजीनियर नहीं बैठता है। बड़ी मशीनें तो नीचे लगी हैं, भीम का है, वहाँ कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, उसके ऊपर तल्ले में कहीं दूर एक स्वच्छ कमरे में चमचमाते हुए कमरे में घड़ी लगी रहती है, और उस बड़े यंत्र की चाल, उसकी गतिविधि का पता उस घड़ी में लगी हुई सुई से वो देखता रहता है। जहाँ जहाँ ऐसे होते हैं यंत्र, तो इंजीनियर घड़ी के सामने बैठा रहता है, हरदम सुई को देखता रहता है। पतली सी सुई बहुत बड़े यंत्र का परिचय कराती है। हमारा मन पूरे जीवन का परिचायक है। अगर मन कुढ़ रहा है, उलझ रहा है, उद्वेगित है, दुखी है, पीड़ित है, संतापित है, तो पूरा जीवन यंत्र गड़बड़ चल रहा है। अगर मन में प्रसन्नता है, आनंद है, खुशी है, तृप्ति है, कुतर्क की भावना से रहित है, किसी के लिए उखाड़ पछाड़ नहीं है, तो समझ लो कि जीवन ठीक चल रहा है। अब जहाँ तक संसार है, संसार में सब आपके मन के अनुकूल हो, ये कब होने वाला है? आप तो माने रहे कि सब गलत है, केवल आप ठीक हैं। हर इंसान को अहंकार है कि इस दुनिया में आधी बुद्धि तो हमारी है और आधी में पूरी दुनिया की बुद्धि है। अब अपने अपने पर इतना अहंकार हमारा हो जाता है कि हम दूसरे को समझ नहीं पाते। दूसरा जैसा है वैसा आपके ख्याल से मानो दूसरा गलत है, तो गलत है तो फल पाएगा, आप उसमें उलझते क्यों? आप अपने को देखिए, दूसरी की गलतियों को सोच कर कहकर हमारा उद्धार नहीं हो सकता, और उस आदमी को हम गलती से उद्धार नहीं कर सकते हैं, कह करके तो और बिगड़ता है। किसी के उद्धार की चेष्टा हो तो राम दिली से एकांत में राय दी जा सकती है, अगर वो सुनना चाहे तो, नहीं तो राय भी देना संभव नहीं है। कई बार आप जानते हैं अपने बच्चे को राय नहीं दे सकते हैं, आप पत्नी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका मन भिन्न है। इसलिए दूसरे के ऊपर अपनी कोई सुवस्था नहीं है, अपने ऊपर सुवस्था है। हमें निरंतर अपने को देखना चाहिए। कबीर, हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय, इस साहब ने कहा। अपनी बुराई देख करके उसको निकालने से शांति मिलेगी, लेकिन जो काम संभव नहीं वही हम सोचते रहते हैं। दूसरे की बुराई देखकर दूसरे को हम सुधार नहीं सकते, अपना मन भी खराब करते हैं और दूसरे के लिए उलझते हैं, और दूसरा भी तो जान ही जाएगा जब आप बराबर दूसरे की बुराई करेंगे, तो उसका परिणाम कोई अच्छा नहीं होगा। समय थोड़ा है और वो भी भागा जा रहा है। गुमान तो सबको है, अभी तो हम जवान हैं। बूढ़े लोग सोचते हैं, अरे जल्दी थोड़े मर जाएंगे, अभी तो बहुत दिन रहेंगे। 90 वर्ष वाला भी सोचता है, 100 वर्ष लोग जीते हैं, 100 से ऊपर हो जाते हैं। एक 90 वर्ष की बुढ़िया उठते बैठते बारंबार कहे, अय मौत ले चल, अय मौत ले चल। एक दिन मौत आ गई, उसके पैताने बैठी, उसका पैर पकड़ा, वो घबरा गई, बहन तुम कौन हो? तुम रोज मुझे पुकारती हो, आज आ गई हूँ, मौत हो तुम्हें ले चलूंगी। वो कांपने लगी, कहे घर में जवान जवान बहू बेटे, उनको ले जाओ, मैं चल करके क्या करूंगी, मैं तो चल भी नहीं पाती हूँ। वो घबरा गई। तो 90 वर्ष की बुढ़िया भी मौत से घबराती, भले जवान से कहे मौत ले चल। उलझन भरी जिंदगी जीने में लोग खुश हैं, और मरने पर सारी उलझन खत्म, लेकिन उसके लिए लोग परेशान होते हैं। लेकिन मौत पक्की है, सबके पीछे लगी है, और अचानक आवे आचा बूच, सदगुरु कहते हैं वो अचानक आती है। इसलिए हमें असावधानी नहीं करना चाहिए। समय थोड़ा है और वो भागा जा रहा है, इसी में अपना कल्याण करना है। किसी का कुछ रहा नहीं,
यदपते क्वागता मथुरापुरी रघुपते क्वागतोत्तर कोशला इत विचिंदमना कुरसु स्थिरम नसदिदम जगत इत्यवधारे। यदपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए विचारिए, आपका ऐश्वर्य कहाँ रहेगा? आज से 100 वर्ष के पूर्व वाले दुनिया से साफ हो गए हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, 100 वर्ष के बाद इसमें कोई नहीं रहेगा। काल सबको पहुंच करके रख देता है। थोड़ा समय मिला है, इसको बांक न करके सुधारने में लगाना चाहिए, अपने आप के कल्याण में लगाना चाहिए। तो सदगुरु का आदेश है, संगत कीजिए साधु की, साधु की संगत करो, जो परमार्थ की दिशा में हमें प्रेरित करें, जिनके मन से, वाणी से, आचरण से, रहनी से, व्यवहार से हमारा मन अविनाशी की तरफ जाए, राम की तरफ जाए, अंतरात्मा की तरफ जाए, सुधार और शांत की तरफ जाए, संसार की हकीकत की तरफ जाए कि दुनिया झूठी है, छूटने वाली है। ऐसे विचारवान संतों, भक्तों, सज्जनों की संगत करें और सत्शास्त्रों, सदग्रंथों का मनन चिंतन करें। अकेले में बैठें रोज और अपने जीवन को देखें, परखें क्या क्या कमजोरियां हैं। देवियां प्रशंसनीय हैं, ये दुर्व्यसन नहीं ग्रहण करती। ये देवता लोग तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या शुरू कर देते। देवियां प्रशंसनीय हैं कि ये दुर्व्यसन नहीं ग्रहण करती, नशा नहीं लेती। बस किसी किसी के ऊपर गुड़ाखू जरूर सवार हो गया। देवियों को चाहिए गुड़ाखू न करें, गुड़ाखू न छुएं, जैसे वे निर्मल रही वैसे निर्मलता बनाए रखें। ये जीवन हीरा सोना जैसा, और हीरा सोना तो पाथर है, वो क्या उदाहरण भर दिया जाता है हीरा सोने का, हीरे के समान जीवन, हीरा का एक पाथर है। ये जीवन हाण मांस भले है, लेकिन इसमें जो राम तत्व है, आत्म तत्व है, उसकी तुलना में कुछ नहीं। एक राजा के पास एक घोड़ा का सौदागर गया और कहा, हुजूर आप मेरा घोड़ा खरीद लें। कहे वो कहाँ है? कहे डेरे पर है। कहे कितना दाम है? कहे 30,000। कहे बहुत दाम बताते हो, कम करोगे कुछ? कहे कम कर देंगे। कहे कितने में दे दोगे? कहे 2 पैसे में। 30,000 का घोड़ा 2 पैसे में कैसे दे दोगे? कहे उसमें एक चीज की कमी है। कहे कौन? कहे छोटी चीज। कहे बताओ। कहे हुजूर बहुत छोटी चीज है। कहे बताओ तो। कहे उसमें जीव नहीं। तो अब जीव ना हो तो घोड़ा किस काम का? जीव ना हो तो गुरु किस काम का? जीव ना हो तो सब बेकार है। जीव सार है और सबके अंदर में जीव बैठा है। उस जीव को छोटा मत समझो। लोगों ने कहा जीव तुच्छ है, जीव अल्पज्ञ प्रतिबिंब है। जीव तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? जीव ही है सबका रहा है। कोई ईश्वर आपको व्याख्यान सुनाने आया है, पुस्तक लिख करके दिया, कोई ज्ञान की चर्चा कोई ईश्वर आया करने? ये जीव ही है जो ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, जो सब घट में बैठा है। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। अपने को हीन न समझो, आप महान हो। अपनी महानता को न समझकर बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तमाकू खाते हो, गुड़ाखू घिसते हो, गाली बकते हो, राग द्वेष करते हो, इंद्रियों को उत्तेजित करके उलझते हो, झगड़ा लड़ाई करते हो, संसार के मोह माया में डूब करके भटक रहे हो। अपने तत्व को न समझकर अपनी महानता को समझ जाओ, आप बादशाह तुच्छ नहीं हो, महान हो। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहि मांसा श्रेष्ठतरम हि किंचित। ये महाभारत में वेद व्यास ने कहा, मैं एक गूढ़ बात तुम्हें बताता हूं, मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं, मनुष्य महान शक्ति है। सदगुरु कबीर ने कहा, नर नारायण रूप है तू जन जाने दे।
ये नर नारायण रूप है, इसको देह न समझ। देह के अंदर में जो ज्योतित आत्मा है वह तेरा स्वरूप है। इस अविनाशी का बोध अविनाशी के तरफ निर्देश करने के लिए सत्संग होता है। हमें सत्संग द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मशोधन करना चाहिए और इसी जीवन में आत्म प्रसन्नता प्राप्त करके कृतार्थ होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जारी राम ने